हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेनू भुतड़ा, लेक्चरर केमिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दोसा। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 8 जल के टॉपिक जल कम रद्दुकरण सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करना जल कम रद्दुकरण कहलाता है। कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होते हैं जिनके कारण कठोरता होती है। तो कठोर जल में से यदि कैल्शियम व मैग्नीशियम आयंस को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो कठोर जल मृदु जल में परिवर्तित हो जाता है। और यही प्रोसेस कठोर जल में से कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स को हटाना का प्रोसेस जल का मृदुकरण कहलाता है। जल के मृदुकरण में निम्न तीन मेथड यूज किए जा सकते हैं। फर्स्ट है लाइम सोडा प्रोसेस, सेकंड जियोलाइट और परम्यूटिट प्रोसेस, थर्ड आयन एक्सचेंज प्रोसेस। फर्स्ट है लाइम सोडा प्रोसेस। इस विधि के द्वारा जल की कठोरता दूर करने के लिए दो रसायन प्रयोग में लिए जाते हैं। फर्स्ट है लाइम, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना बोलते हैं लाइम को, चूना कहा जाता है, और उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वह सेकंड केमिकल जो यूज होता है वो सोडा Na2CO3 काम में लिया जाता है। इस विधि में कठोर जल में लाइम व सोडा की कैलकुलेटेड मात्रा गणना करके मात्रा डाली जाती है। लाइम व सोडा कठोर जल में डाला जाता है। लाइम व सोडा कैल्शियम व मैग्नीशियम सॉल्ट्स के साथ अभिक्रिया करता है और कैल्शियम व मैग्नीशियम सॉल्ट्स को ऐसे सॉल्ट्स में परिवर्तित कर देते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, वाटर में अविलयी होते हैं। जैसे कैल्शियम के जो भी लवण है वो सब कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाते हैं जो कि वाटर इंसोल्यूबल है, जल में अविलयी है। वह मैग्नीशियम के लवण मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं जो जल में अविलयी है, और जल में अविलयी होने के कारण दोनों अवक्षेप के रूप में आ जाते हैं, और उन अवक्षेप को कैल्शियम कार्बोनेट के अवक्षेप व मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को फिल्टर करके छान के हटा लिया जाता है, और जो उसके बाद जो वाटर प्राप्त होता है वो सॉफ्ट वाटर होता है, मृदु जल होता है। तो इस विधि में सिंपल सा है कि कठोर जल में लाइम और सोडा डाला जाता है, तो लाइम और सोडा हार्डनेस कोजिंग सॉल्ट्स के साथ, ऐसे लवण जिनके कारण कठोरता उत्पन्न होती है उनके साथ रिएक्शन करके उन्हें जल में अविलयी लवणों में परिवर्तित कर देता है, और वो जल में अविलयी लवण कैल्शियम कार्बोनेट व मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उनको जल को फिल्टर करके हटा लिया जाता है, और जिससे हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में परिवर्तित हो जाता है। लाइम सोडा प्रोसेस के दौरान जो रिएक्शन होती है वो इस प्रकार है कि हार्डनेस कोजिंग सॉल्ट्स होते हैं, ऐसे सॉल्ट जिनके कारण हार्डनेस होती है, वो लाइम व सोडा के साथ निम्न प्रकार रिएक्शन करते हैं। सबसे फर्स्ट हमने रिएक्शन लिखी है कैल्शियम बाई कार्बोनेट, वह लाइम के साथ रिएक्शन कर रहा है, और लाइम के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट का जल में अविलयी अवक्षेप बना लेता है, और इसके कारण वो अलग हो जाता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट है, उसको वो रिएक्शन करके दो लाइम मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो गया। मैग्नीशियम कार्बोनेट है, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो गया लाइम के साथ रिएक्शन करके। इसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड है, उसकी जब लाइम के साथ रिएक्शन होती है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। मैग्नीशियम सल्फेट भी लाइम के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, पर और इसी प्रकार कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड व कैल्शियम सल्फेट सोडा के साथ रिएक्शन करते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाते हैं जो कि जल में अविलयी है। इस दौरान जो मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट है वो साथ में कैल्शियम क्लोराइड भी बनाते हैं, तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड बना है ये सोडा के साथ रिएक्शन करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ,
और वो वापस भी कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार जल में जो भी कठोरता उत्पन्न करने वाले लवण हैं वो सब किसी न किसी कोई ना कोई रिएक्शन करके या तो कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये सब अवक्षेप के रूप में अलग हो जाते हैं जिनको फिल्टर करके रिमूव कर लिया जाता है। और उसके बाद में जो वाटर प्राप्त होता है वो मृदु जल प्राप्त होता है, जिस सेकंड विधि है जल के मृदुकरण की। दूसरी विधि है जियोलाइट या परम्यूटेट प्रोसेस। जियोलाइट को हिंदी में भी जियोलाइट कह रहे हैं और परम्यूटेट को भी परम्यूटेट ही कहा जाता है। जियोलाइट्स क्या होते हैं? जियोलाइट्स प्राकृतिक खनिज होते हैं जो कि जिनका केमिकली नाम होता है हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, जिन्हें हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट कहा जाता है, जिनका जनरल फॉर्मूला लिखा जाता है Na2O Al2O3 dot x silica x SiO2 dot y H2O, वेयर x इज इक्वल टू 2 to 10, 2 से 10 तक x की वैल्यू हो सकती है और y की वैल्यू 2 से 6 के बीच में हो सकती है। जियोलाइट्स नेचुरली अक्रिंग मिनरल्स होते हैं और जियोलाइट्स में जो इसमें जो सोडियम आयन है उसकी कैपेसिटी होती है कि वह कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स के साथ एक्सचेंज कर सकता है। सोडियम जियोलाइट में उपस्थित सोडियम आयन की प्रॉपर्टी होती है कि वह कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स के साथ एक्सचेंज हो सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके जियोलाइट से वाटर का सॉफ्टनिंग की जाती है, जल का मृदुकरण किया जाता है। अब जियोलाइट का फॉर्मूला क्योंकि बहुत बड़ा है तो इसलिए इसको शॉर्ट में Na2Z लिखा जाता है। सोडियम आयन तो एक्सचेंज में काम आ रहे हैं और जेड पूरा बाकी का जियोलाइट है। जियोलाइट्स को परम्यूटेट भी कहा जाता है। जियोलाइट दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल जियोलाइट्स एंड सिंथेटिक जियोलाइट्स। नेचुरल जियोलाइट्स जो प्रकृति में अपने आप मिनरल्स प्राप्त होते हैं वो नेचुरल जियोलाइट्स, ये नॉन पोरस होते हैं और अमॉर्फस होते हैं। नॉन पोरस का मतलब जिसमें छेद बहुत कम होते हैं, अमॉर्फस होते हैं। और सिंथेटिक जियोलाइट्स, ये जियोलाइट्स पोरस होते हैं, मतलब जिसमें बारीक बारीक छेद होते हैं जिससे कि वाटर उसमें से पास हो सके, और इनका जेल स्ट्रक्चर होता है। और सिंथेटिक जियोलाइट्स की जो संश्लेषित जियोलाइट है उनकी एक्सचेंज कैपेसिटी प्राकृतिक जियोलाइट्स की तुलना में ज़्यादा होती है। रिएक्शंस ड्यूरिंग जियोलाइट प्रोसेस। इस प्रोसेस में हार्ड वाटर को, कठोर जल को जियोलाइट से पास कराया जाता है, जियोलाइट में से गुजारा जाता है। इसके लिए एक लंबा टैंक लिया जाता है जिसमें जियोलाइट भरा होता है। एक डायग्राम में बताया गया है, इसमें जियोलाइट भरा है यहाँ पे। इस जियोलाइट के ऊपर से हार्ड वाटर पास किया जाता है। हार्ड वाटर जब जियोलाइट में से पास होगा, क्योंकि जियोलाइट पोरस होता है तो इसके कारण उसमें से हार्ड वाटर पास होगा, और पास होने के बाद में जब हार्ड वाटर जियोलाइट से पास होता है तो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वह जियोलाइट में उपस्थित सोडियम आयन के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। तो जियोलाइट में तो कैल्शियम आयन आ जाते हैं और हार्ड वाटर में से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हटके उनकी जगह सोडियम आयन आ जाते हैं, और सोडियम आयन के कारण कठोरता नहीं होती है। इनको हम निम्न रिएक्शन के द्वारा बता सकते हैं। जैसे यदि हार्ड वाटर में कैल्शियम क्लोराइड है तो कैल्शियम क्लोराइड की जब जियोलाइट के साथ रिएक्शन होगी तो उसका कैल्शियम सोडियम के साथ एक्सचेंज हो गया, तो कैल्शियम जियोलाइट बन गया और कैल्शियम क्लोराइड जो था वो सोडियम क्लोराइड बन गया। तो ये कैल्शियम जियोलाइट जो बना, क्योंकि ये तो वाटर जियोलाइट तो वाटर इनसॉल्युबल होता है तो ये जल में डिजॉल्व नहीं होगा, तो ये जियोलाइट के साथ कैल्शियम है वो जियोलाइट के साथ ही जुड़ा रहेगा और वाटर में NaCl आएगा, और NaCl के कारण वाटर में कठोरता नहीं होती है।
इसी प्रकार अन्य हार्डनेस कोजिंग सॉल्ट्स की रिएक्शन है, जैसे यदि वाटर में कैल्शियम सल्फेट है, इसके कारण कठोरता होती है। कैल्शियम सल्फेट का कैल्शियम जियोलाइट के सोडियम के साथ एक्सचेंज होके कैल्शियम जियोलाइट बनाएगा और Na2SO4 बनाएगा जो कि वाटर में आ जाएगा, और कैल्शियम जो है जियोलाइट के साथ जुड़ के जियोलाइट में ही रह जाएगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम सल्फेट है, उसकी जब जियोलाइट के साथ रिएक्शन होगी मैग्नीशियम जियोलाइट बनेगा और सोडियम सल्फेट। इसी प्रकार सारे लवणों की रिएक्शन हो सकती है। तो इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण थे उनका कैल्शियम एक्सचेंज हो गया सोडियम के साथ, तो वाटर में तो कैल्शियम की जगह सोडियम आयन आ गया है और जो जियोलाइट में सोडियम आयन था उसकी जगह कैल्शियम आयन आ गया। इस प्रकार अब इसमें से जो वाटर निकलेगा उसमें क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन नहीं है, इसके कारण उसकी जो भी कठोर जल था उसकी कठोरता कम खत्म हो गई, रिमूव हो गई, और जो वाटर इसमें से नीचे से यहाँ से निकलेगा वो सॉफ्ट वाटर होगा। ये जो यहाँ से वाटर है सॉफ्ट वाटर आउटलेट। अब कुछ समय बाद ये होता है कि जियोलाइट जो भी भरा हुआ है हमने उसे टैंक में, उसमें उसके जो भी सारे सोडियम आयन है वह कुछ समय बाद वो या तो कैल्शियम से रिप्लेस हो जाते हैं या मैग्नीशियम से रिप्लेस हो जाते हैं, तो उसके बाद में वो काम करना बंद कर देगा क्योंकि उसमें अब सोडियम आयन है ही नहीं। तो इसके लिए वापस उसको, इसे हम बोलते हैं एग्जॉस्टेड जियोलाइट, कि जियोलाइट एग्जॉस्ट हो गया है, अब वो काम करने की उसकी एफिशिएंसी कम हो गई है, खत्म हो गई है, तो इसके लिए वापस जियोलाइट को रीजनरेट किया जाता है। रीजनरेट का मतलब वापस उसको सोडियम जियोलाइट की फॉर्म में लाना पड़ेगा, सोडियम जियोलाइट की फॉर्म में लाना पड़ेगा ताकि वो वापस एक्सचेंज कर सके। इसके लिए ये किया जाता है कि हार्ड वाटर को ऊपर से डालना बंद करके जियोलाइट का जो कैल्शियम जियोलाइट या मैग्नीशियम जियोलाइट है बन चुका है जो, उसमें 10% NaCl डाला जाता है। जैसे यहाँ पे नीचे की ओर NaCl सॉल्यूशन भर रखा है, जब जियोलाइट एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसके बाद में उसमें NaCl को इंजेक्ट किया जाता है, NaCl सॉल्यूशन डाला जाता है हार्ड वाटर रोक के। जब NaCl सॉल्यूशन डाला जाएगा तो इस प्रकार रिएक्शन होती है कि जो मैग्नीशियम जियोलाइट NaCl से रिएक्शन करके वापस सोडियम जियोलाइट में चेंज हो जाएगा, और कैल्शियम जियोलाइट है वो भी NaCl से रिएक्शन करके सोडियम जियोलाइट में चेंज हो जाता है, और जियोलाइट फिर वाटर सॉफ्टनिंग करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसमें सोडियम आयन वापस आ चुके हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है और फाइनली जो हमको वाटर प्राप्त हो रहा है वो सॉफ्ट वाटर प्राप्त होता है। इस प्रकार जियोलाइट प्रोसेस के द्वारा जल का मृदुकरण किया जा सकता है। इस विधि में सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वो तो हट जाता है, परंतु जल में घुले हुए लवणों की सांद्रता बहुत अधिक होती है क्योंकि जो भी लवण थे अब सोडियम के फॉर्म में आ गए, सोडियम के लवणों के रूप में आ गए, NaCl आ गया, Na2SO4 आ गया, NaSCO3 आ गया, तो कुल मिला के कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन तो हट गया जिसके कारण उसकी कठोरता तो कम हो गई, परंतु उसमें लवणों की मात्रा बहुत अधिक होती है। थर्ड मेथड हम पढ़ेंगे अब आगे, आयन एक्सचेंज मेथड, आयन विनिमय विधि। अभी हमने जो जियोलाइट मेथड पढ़ा था उसमें भी आयन एक्सचेंज हुआ था, उसमें केवल कैटायन का एक्सचेंज हुआ था। अब हम पढ़ेंगे आयन एक्सचेंज रेजिन, यहाँ पे आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड में कुछ केमिकल कंपाउंड काम में लिए जाते हैं जिन्हें बोला जाता है आयन एक्सचेंज रेजिन, आयन विनिमय रेजिन। आयन विनिमय रेजिन जल में अविलेय क्रॉस बंध युक्त उच्च अणुभार वाले कार्बनिक बहुलक होते हैं जिसका पोरस स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हल्के हल्के छेद होते हैं, और उनमें इस प्रकार का कोई फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें या तो H+ होता है या OH- होता है, जिसके कारण वो कैटायन या एनायन को एक्सचेंज कर सकते हैं, तो इनमें आयन को एक्सचेंज करने की प्रॉपर्टी होती है। इन ये रेजिन दो प्रकार में क्लासिफाइड किए जाते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं, कैटायन एक्सचेंज रेजिन, एनायन एक्सचेंज रेजिन। कैटायन एक्सचेंज रेजिन हिंदी में धनायन विनिमय रेजिन और
एनायन एक्सचेंज रेजिन को इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे ऋणायन विनिमय रेजिन। फर्स्ट कैटायन एक्सचेंज रेजिन। कैटायन एक्सचेंज रेजिन ऐसे होते हैं जिनमें अम्लीय क्रियात्मक समूह होता है, जैसे COOH SO3H, जिसमें कि H प्लस आयन होते हैं और ये H प्लस आयन कैटायन जल में उपस्थित कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं। और क्योंकि ये एक पॉलीमर मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, तो इनको शॉर्ट में एक्सप्रेस किया जाता है RH के लिए। R यहाँ पे रेजिन वाला पार्ट है और H का मतलब जो हाइड्रोजन आयन है जो कि एक्सचेंज हो सकता है। सेकंड है एनायन एक्सचेंज रेजिन। एनायन एक्सचेंज रेजिन ऐसे रेजिन्स होते हैं, ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनमें OH माइनस आयन होते हैं और ये OH माइनस आयन वाटर में उपस्थित एनायंस जो भी दूसरे एनायन है उनके साथ एक्सचेंज होने की कैपेसिटी रखते हैं और इन्हें शॉर्ट में ROH लिखा जाता है। R रेजिन वाला पार्ट है और OH जो कि एक्सचेंज हो सकता है। इसका डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे। आयन एक्सचेंज मेथड में दो स्टेप में रिएक्शन होती है। सबसे फर्स्ट दो सिलेंडर लिए जाते हैं। फर्स्ट वाले सिलेंडर में तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन भरा हुआ है और सेकंड वाले में एनायन एक्सचेंज रेजिन भरा हुआ है। सबसे पहले हार्ड वाटर कठोर जल को कैटायन एक्सचेंज रेजिन में से गुजारा जाता है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन में पास किया जाता है। इस दौरान जो रिएक्शन होती है कैटायन एक्सचेंज रेजिन में, क्योंकि एच प्लस आयन है वह एच प्लस आयन जल में उपस्थित जो धनायन है कैल्शियम आयन व मैग्नीशियम आयन के साथ एक्सचेंज होते हैं और ये रिएक्शन इस प्रकार होती है। फर्स्ट रिएक्शन जैसे ये है 2RH प्लस कैल्शियम 2 प्लस, कि जो RH मतलब धनायन एक्सचेंज रेजिन है, धनायन विनिमय रेजिन है, उसकी कैल्शियम आयन के साथ तो रिएक्शन होगी, कैल्शियम आयन जल में उपस्थित आयन है और ये एक्सचेंज हो जाएगा H के साथ और H के साथ एक्सचेंज होने के बाद R2Ca प्लस 2H प्लस बनेगा, तो जल में H प्लस आयन आ जाएंगे। इसी प्रकार जो मैग्नीशियम आयन है वो RH रेजिन के साथ रिएक्शन करके एक्सचेंज हो जाते हैं और H प्लस आयन आ जाते हैं। उसके बाद में जो कैटायन एक्सचेंज रेजिन में से जो जल निकलता है उसमें कैटायन का एक्सचेंज हो चुका है, तो उस जल को अब एनायन एक्सचेंज रेजिन से भरे सिलेंडर से पास किया जाता है, यहाँ से पास किया जाएगा। एनायन एक्सचेंज रेजिन में जब जल को भेजा जाता है तो इस प्रकार जल में उपस्थित जो एनायन होते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड का कैल्शियम तो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया परंतु क्लोराइड है वो क्लोराइड आयन है, जैसे कैल्शियम सल्फेट का सल्फेट है, कार्बोनेट आयन, इस प्रकार जो भी जल में उपस्थित एनायन है वो एनायन एक्सचेंज रेजिन के OH माइनस के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ROH प्लस Cl माइनस है तो OH की जगह Cl आगे एक्सचेंज हो गया और OH माइनस फ्री हो गया। इसी प्रकार सल्फेट का एक्सचेंज हो जाएगा, कार्बोनेट का एक्सचेंज हो जाएगा और कुल ये होता है कि कैटायन एक्सचेंज रेजिन से H प्लस मिले थे, एनायन एक्सचेंज रेजिन से OH माइनस मिले, तो H प्लस और OH माइनस आपस में मिलके H2O बना लेते हैं। H प्लस वह OH माइनस आपस में मिलके H2O बना लेते हैं और इस प्रकार अब इसमें से एनायन एक्सचेंज रेजिन में से जो वाटर निकलेगा उसमें जल में उपस्थित कैटायन भी नहीं है, जो हार्ड वाटर में कैटायन उपस्थित है वो भी नहीं है, वो कैटायन एक्सचेंज रेजिन में रुक गए और जो एनायन भी थे वो एनायन एक्सचेंज रेजिन से निकल गए और दोनों से जो H प्लस और OH माइनस फ्री हुए थे उन्होंने आपस में रिएक्शन करके वाटर बना लिया, H2O बना लिया। इसके कारण इससे जो भी जल निकलेगा वो उसमें हार्डनेस कठोरता उत्पन्न करने वाले लवण भी नहीं होंगे और दूसरे लवण भी नहीं होंगे। अब यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आती है, कुछ समय बाद में जो भी रेजिन होते हैं उनकी एक्सचेंज कैपेसिटी कम हो जाती है क्योंकि उसमें जितने भी H प्लस आयन थे वो धीरे धीरे करके सारे कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन से रिप्लेस हो गए और एनायन एक्सचेंज रेजिन में जो भी OH माइनस आयन थे
वो दूसरे एनायन से रिप्लेस हो गए तो वो उनकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है और ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसके लिए हमको उनको वापस रीजनरेट करना पड़ता है। रीजनरेट करने का मतलब उसको वापस काम करने के लिए तैयार करना है। तो जो कि जैसे कैटायन एक्सचेंज रेजिन R2Cl में चेंज हो गया है, इसमें वापस हाइड्रोजन आयन लाना है। इसके लिए इसकी किसी भी अम्ल से रिएक्शन कराई जाती है। इसके लिए जैसे यहाँ से अम्ल भेजा जा रहा है कि जब कैटायन एक्सचेंज रेजिन एग्जॉस्ट हो गया, काम करने की उसकी क्षमता कम हो गई, तो उसमें एसिड से रिएक्शन कराई जाती है। एसिड से रिएक्शन कराने पे वापस R2Ca जो है वो RH में चेंज होएगा, कैल्शियम आयन वापस एच आयन आ जाएगा, और जैसे ही RH बन गया ये वापस यूज में काम करने के लिए तैयार हो गया। इसी प्रकार एनायन एक्सचेंज रेजिन का रीजनरेट करने के लिए उस पर NaOH से रिएक्शन कराई जाती है। तो NaOH में फिर इनकी रिएक्शन होकर वापस ROH बन गया, रेजिन के साथ OH आ गया और OH माइनस के एक्सचेंज करने के लिए वापस तैयार हो गया। तो इस प्रकार एनायन एक्सचेंज रेजिन वापस रीजनरेट हो गया। तो इस प्रकार आयन एक्सचेंज विधि द्वारा हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में परिवर्तित कर लिया जाता है और समय समय पर कैटायन एक्सचेंज रेजिन व एनायन एक्सचेंज रेजिन को रीजनरेट भी किया जाता है। इस विधि से प्राप्त सॉफ्ट वाटर की हार्डनेस सबसे कम होती है। सबसे बेस्ट मेथड यही वाला मेथड है, आयन एक्सचेंज मेथड है। और इसमें जो जल प्राप्त होता है उसमें लवणों की सांद्रता, दूसरे लवणों की सांद्रता भी बहुत कम होती है। तो आज इस टॉपिक के साथ अपना आज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू।